आज साउथ के सुपरस्टार रामचरण तेजा का जन्मदिन है। हाल ही में उनकी फिल्म ट्रिपल आर के नाटू नाटू गाने को ऑस्कर अवार्ड मिला। दुनिया भर में इस गाने को खूब तारीफें मिली है। बच्चे हो या फिर बड़े, ट्रिपल आर के इस गाने पर खुद को थिरकने से रोक नहीं पाते। यकीन तेलुगु फिल्म ट्रिपल आर के गाने नाटू नाटू ने इतिहास रचा और एक बार फिर देश को गर्व करने का मौका मिला। कहना गलत नहीं होगा कि ट्रिपल आर का ये गाना नाटू नाटू ग्लोबल सेंसेशन बन गया है। ऑस्कर अवार्ड मिलने के बाद गुड न्यूज टुडे की मैनेजिंग एडिटर श्वेता सिंह ने उनसे खास बातचीत। नमस्कारम। नमस्ते श्वेता। रामचरण गारू, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब पूरी पूरी पूरे देश की भाषा एक हो गई है, फिल्म की भाषा वो। ये सारे फूल हमने आपके लिए लगाए हैं। थैंक यू सो मच। ये आपके सारे फैंस ने एक एक करके डाला है, एक मैं आपको पकड़ा दूंगी। मेरी कांग्रेचुलेशंस। आई विल टेक इट ऑन माय बिहाफ ऑफ माय टीम के। ये टीम की बॉन्डिंग बड़ी नजर आई है आप लोगों की। मतलब मुझे याद नहीं आता कि कहीं पर एक अवार्ड के लिए ऐसे पूरे परिवार की तरह एक टीम चली जाती है। इट इज बिकॉज हम बचपन से हम काम करते थे टुगेदर। मेरा सेकंड फिल्म भी राजमौली साहब के साथ था एंड अभी 14th फिल्म भी उनके साथ है। सो ऑलमोस्ट उनकी तरीका वैसी होता है, फैमिली जैसा बनना है, नहीं तो मूवी नहीं बनती है। मगधीरा की बात आप कर रहे हैं। मगधीरा की बात तो मतलब राजमौली एंड रामचरण का कॉम्बिनेशन ही डेडली होने वाला है। जब भी आएगा सर का कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी डेडली होगा। हाँ। हमारे साथ और स्पेशल होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। आपको जब वहां पर आपके इंटरव्यूज ही इंटरव्यूज चलते रहे तब से, मतलब मुझे लगता है कि एवरी एक घंटे में एक इंटरव्यू तो आ ही जाता है। हाँ। पर आपने जब आपको एक जर्नलिस्ट ने कहा कि आप अपनी कंट्री को एड्रेस कीजिए, आपने हिंदी को चुना उस टाइम। जी ऑब्वियसली आई हैव टू थैंक द हिंदी ऑडियंस। आई एम सो प्राउड दैट एज अ तेलुगु पर्सन हम इधर आके बाहुबली के टाइम पे हम पहली बार ये बाउंड्री ओपन हुआ हम सबके लिए, हमारे मूवीज के लिए, और इतना प्यार दिया है हमके हमारे लिए और हमारे पिक्चर के लिए। इतना प्यार कि हम हॉलीवुड तक गए हैं अभी। सो आई एम ग्रेटफुल टू देयर लव एंड देयर लव फॉर सिनेमा विच इज मोर इम्पॉर्टेंट। एंड अभी हम तेलुगु का एक्टर हूँ या तेलुगु स्टेट से हूँ, मगर अभी हम इंडियन भी है। इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रेट इंडियन 92 इयर्स का इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। सो इट इज अ प्राउड मोमेंट एंड इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये लाइफ आरआरआर से पहले और आरआरआर के बाद जी बदल गई है पूरी? मालूम नहीं मैडम, अभी तो वापस आया हूँ एलए से एंड आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड। सब सोक इन हो रहा है मेरे माइंड में एंड मालूम नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इज इट ट्रू। आई कीप पिंचिंग माई सेल्फ बट गॉड्स ग्रेट्स, वी हैव अ ब्यूटिफुल टीम, वी हैव अ ब्यूटिफुल कंट्री हु पुश्ड अस टू द वेस्ट एंड वी अचीव्ड इट फॉर द कंट्री। एक बहुत लंबी फिल्म थी लेकिन पता ही नहीं चला कैसे निकल गई थी ये फिल्म। जी उसमें जो रामचरण को हमने देखा या अलग अलग फिल्मों में जो हम देखते हैं उससे अलग एक रामचरण दिखते हैं जब वो नंगे पांव जाते हैं अवार्ड लेने, या फिर जो पूजा पाठ करते हुए दिखते हैं, जो अपने मंदिर को अपने साथ ले जाते हैं, ये कल्चर हमारे रूट्स को अब भूलना नहीं। एंड रियली दिस इज व्हाट हम रोज करने का एक एक्टिविटी है। हम जिधर भी एलए है, न्यूयॉर्क है, जापान है, हम ये डेफिनेटली हम करते हैं। रिलीजियस है पर नॉट रिलीजियस, इट हेल्प्स मी। I'm using religion. I'm using my Hanuman, which is my name is also Hanuman. So yes. I use him to calm me down, focus करने के लिए बहुत जरूरी होता है and I need it. अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, मैं कुछ रिसर्च के लिए मैं आपके कुछ पुराने प्रोड्यूसर से बात कर रही थी। जी उन लोगों ने कहा कि रामचरण इज अ सिंगल टेक आर्टिस्ट। जी जनरली फिल्मों में जितनी टेक्स लगते हैं आपको मुश्किल से 2 से 3। नहीं नहीं नहीं, आरआरआर में तो वो डांस तो 15 टेक भी हुआ मैडम। But I think you're talking about मेरा डायरेक्टर सुकुमार जी रंगस्थलम किया है, ताकि I think मेरा उनके साथ सिंक बहुत बहुत अच्छा था एंड आई गॉट हिम। एंड जब एक डायरेक्टर को शॉट मिलता है वो बार बार वापस नहीं पूछता, क्योंकि उनका भी टाइम वेस्ट है, पैसा भी टाइम वेस्ट होता है, पैसा भी वेस्ट होता है। पर आरआरआर में आपने बहुत रिहर्स किया, बहुत टाइम स्पेंड किया। नॉट द सीन्स मैडम, जस्ट द सॉन्ग्स एंड द फाइट्स, बिकॉज इंजरी नहीं होना चाहिए। सो इसके वजह से हम बहुत रिहर्सल किया, बट द सीन्स द डायरेक्टर एक्सप्लेन्स इट सो ब्यूटिफुली। जिसको एक्टिंग भी नहीं आता ना, कभी कभी बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकते। पर देखिए ना, ये चीजें हम पूछ रहे हैं, हम फिर भी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को समझते हैं। जी विदेशों में तो आपसे न जाने क्या क्या सवाल पूछे जा रहे होंगे, जो जो एक ऐसा देश जो सोचता था कि इंडिया सिर्फ
मतलब नो नो पर इस फिल्म के जरिए एक अलग नजरिया हमने दुनिया को दिया है. आई मीन ये सही बात है. ये फिल्म, व्हाट इज दिस फिल्म? आई फील दिस इज इंडिया. इंडिया इज ऑल्सो मेनी स्टेट्स. बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज है, ब्यूटिफुल डायरेक्टर्स है हमारे पास. बट ये तेलुगु स्टेट से जो आ रहा है, ये हमारा मिट्टी का स्टोरी है, हमारे स्ट्रगल का एक स्टोरी है, हमारा फोकलोर है और हमारा रेवोल्यूशन है और हमारा पूरा हमारी हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री से बना हुआ एक फिल्म है. दैट्स व्हाई आई एम प्राउड. एंड ये का इधर स्टॉप नहीं होना चाहिए. हमारे ब्यूटीफुल स्टेट्स, ब्यूटीफुल फिल्म इंडस्ट्रीज है, 24-28 स्टेट्स है, द ब्यूटीफुल फोकलोर्स है, सॉन्ग्स है, स्टोरीज है, ये सब आई थिंक ये मिट्टी को नहीं भूलना चाहिए हमारा डायरेक्टर्स. हम अभी क्या, हर साल हम ऑस्कर को जाएंगे.